अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं पावर प्लांट में उतरी थी, एक बंदे को मैंने डाउन किया। मैंने कहा मेरे पास शॉर्ट गन है, एक गोली में बंदा मर जाएगा। मैंने दो गोलियां मारी, तीन गोलियां मारी, चार पांच में गोली में जाके मरा। मैंने कहा चलो शुक्र है मर तो गया है ना। अभी जो इसका टीममेट है ना वो नेक्स्ट लेवल का कैंपर था। मैंने कहा जल्दी से मैं नेड यहाँ पे खरीदती हूँ, और आप लोगों को पता है कैंपर्स का इलाज तो सिर्फ नेड हो सकता है। तो यहाँ मैंने नेड कुक किया, डब्बे के पीछे बैठा हुआ है ये, तो नेट यहाँ मैंने कुक करके इसके मुंह पे मारा और ये यहाँ पे फोत हो गया। मैंने कहा इसको दूसरा मौका नहीं देना, इसको पहले मैं जाके ना फिनिश कर देती हूँ, इससे पहले दूसरा मौका इसको मिले। तो यहाँ पे जो इनका चौथा था वो भाग गया था, तो अभी मैं यहाँ पे ना आगे दो स्क्वाडों की ना आपस में लड़ाई हो रही थी। मैंने कहा यार ये तो मेरा फेवरेट काम है कि मैं किल चोरी करूँ। इन्होंने ना डाउन करके रखे हुए थे बंदे, मैंने फटाफट यहाँ पे ना बंदों को फिनिश किया, और अगले वाले को बहुत ज़्यादा गंदे वाला गुस्सा आया, उसने मुझे इतना कुछ गंदा डैमेज दिया। मैं जल्दी से बैठ गई, मैंने कहा यार और पंगा इज नॉट चंगा। तो अभी इसकी बारी भी आएगी, इसने मुझसे पंगा लिया था सच्ची याद है। तो इधर मैंने अभी इसको मारूंगी, इस वाले को, तो इस वाले को मैंने डाउन कर दिया। मैंने कहा अभी इससे पहले कि ये रिवाइव हो जाए मैं जल्दी से जाके रश कर देती हूँ उन लोगों के ऊपर। तो दरख्त के पीछे बैठ के इसका टीममेट इसको ना रिवाइव दे रहा था, और मैंने कहा यार देखते हैं और क्या होता है। तो लकीली तो वो रिवाइव नहीं हो सका था, मैंने दूसरे वाले को भी डाउन कर दिया। तो अभी जो इनका तीसरा टीममेट है ना वो भाग गया, वो बस इन लोगों को रिकॉल देने के लिए भज गया था। तो आगे जब मैं गई मुझे लग रहा था शायद और भी कोई हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे नेड मार दिया। मैंने कहा शायद ये मर जाएंगे, ऐसे ही फिनिश हो जाएंगे। तो अगले वाले ने तो होप छोड़ दी थी क्योंकि इनका टीममेट तो भाग गया था इन लोगों को रिकॉल देने के लिए। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे फिनिश किया, इनका रिकॉल पे ही गया हुआ है, तो मैं भी रिकॉल पे भज जाती हूँ जाके। तो जैसे मैं रिकॉल पे गई ना तो यहाँ पे सारे रिवाइव हो चुके, रिकॉल हो चुके थे दोबारा से। तो देखो कैसे वो लोग शोके हुए हैं। पहले मैंने इस वाले को मारा, जो दूसरा है वो छत पे चढ़ के बैठा हुआ है, वो देखो कितने मजे से। तीसरा फिर शोहा हो गया ना, कहीं और घूम रहा था। मैंने कहा चलो उसको भी मैं ढूंढ लेती हूँ, तो इन लोगों को पहले मैं फिनिश कर देती हूँ। तो पहले मैंने छत वाले को फिनिश किया, फिर मैंने नीचे वाले को फिनिश किया। जो इनका तीसरा टीममेट है ना वो सामने है, अभी उसकी बारी भी आएगी, वो लास्ट है, इधर बैठा हुआ है वो। तो यहाँ पे आगे मैंने इसको भी फिनिश किया, बेचारा फोत हो गया। तो बस अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया था, मैंने जल्दी से अपनी डड्डू गाड़ी पकड़ी और मैंने यहाँ से दौड़ लगा दी। डड्डू गाड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे ना यूँ स्कोप मेरे पास रेड डॉट था, लेकिन मैंने फिर भी बंदे को मार दिया। तो अभी मैं इसको गाड़ी से धो लूँगी, मिद गया ये। अभी यार अब लोग देखना, एक बंदा ग्रोजा यूज़ कर रहा था, यहाँ पे ड्रॉप लूट रहा था बड़े मजे से। मैंने कहा तुझे मैं बता दी, मैं ग्रोजा पकड़ने दूंगी, इतने बड़ा ग्रोजा। वैसे दो चार उसने गोलियाँ चलाई थी मुझे मारने के लिए, लेकिन मार नहीं सका। तो मैंने इसको यहाँ पे जब डाउन किया ना, तो इसका टीममेट भी आ गया पीछे से, वो आएगा ना अभी पीछे। तो इसको भी मैंने यहाँ पे फिनिश किया, डाउन फिनिश किया। तो अभी ना मैंने कहा चलो अब ग्रोजा पकड़ लेती हूँ। ग्रोजा आप लोगों को पता है कितनी मजे की होती है, इसको मैं गाड़ी के नीचे दूंगी। अभी जो इनका तीसरा टीममेट है ना वो पहाड़ी पे चढ़ा हुआ था, मैंने कहा यार इसको मैं फिनिश करके ना फिर आराम से बाकी अपना काम करती हूँ। तो वो देखो पहाड़ी पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसको जब डाउन किया था बेचारा फिनिश ही हो गया पूरा का पूरा। तो फिर मैं यहाँ से निकल के ड्रॉप के पास दोबारा से पेटी लूटने के लिए, जिस बंदे ने ग्रोजा पकड़ी थी, मेरी ग्रोजा पकड़ी हुई थी। तो ग्रोजा यहाँ पे मैंने उठा ली, अभी मैंने इसको मिद दिया। अभी मैंने तीन लोगों को मिद दिया ना टोटल, दो डाउन बंदों को मिद दिया और एक इसको मिद दिया। अच्छा अभी यहाँ से देखो कितने मजे से बंदा, मतलब कि यहाँ पे था मिद्दा वाला ना घूम रहा था, इसको मैंने मिद्दा था। मैंने कहा चलो मैं इसको फिनिश कर देती हूँ। तो पता नहीं फिनिश नहीं हो सका, काफ़ी गोलियाँ मैंने इसको मारी थी। अभी ना सामने बंदे थे पुल के पास ना, मैंने कहा चलो यार मैं इनको मारती हूँ, बस कोई अच्छा स्कोप नहीं था वरना मैं आराम से इसको मार लेती। तो थोड़ी सी ना मुझे मुश्किल हुई थी इसको मारने में, तो जैसे मैंने इसको मारा ना मुझे भी गोली पड़ गई। देखो मुझे कितनी गंदी गोलियाँ पड़ी हैं। तो मैं जल्दी से डाउन हो गई, मैंने कहा यार अभी इन लोगों से और पंगा लेना बनता नहीं है क्योंकि जोन भी आ चुके हैं। अब मैं जल्दी से यहाँ से निकलती हूँ, जूस पिया और मैं यहाँ से आगे की तरफ चली गई। अभी टोटल दो और बंदे रह गए हैं, एक को मैंने यहाँ पे फिनिश किया, अभी सिर्फ एक बंदा रह गया। ये देखना यहाँ पे कितना ये शोखा होता है, कभी उधर से उधर, उधर से इधर। नेट यहाँ पे मैंने हिला के चलाया था, नेट लगा ही नहीं, पता नहीं क्यों, नेट तो लगना चाहिए था तो नहीं लगा यहाँ पे नेड। मैंने कहा चलो अब जोन में जाके मैं लड़ाई करूँगी अगली लड़ाई। तो यहाँ से मैं जोन में चली गई, देख रही थी मैं पीछे, हर खबर में नज़र होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे सामने ही बंदा था, इसके ऊपर मैंने काफ़ी नेड चलाए यार कि मर जाएगा मर जाएगा, लेकिन नहीं, ये नेड से मरने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन एंड पे जाके मैं इसको थोड़ा सा ट्रोल करूँगी, तो वो भी मुझे मज़ा आया था इसको ट्रोल करके थोड़ा सा, लेकिन दुख भी हुआ था उसको मारने के बाद ना। तो यहाँ पे मैंने नेड किया, नेड नहीं लगा, नो
एक और मैंने कहा नेड करती हूँ, वो भी नहीं लगा यार। अभी देखना कैसे पहाड़ी के साथ चिपक के बैठा होता है। मैंने कहा अब रश करने की बारी है, मैं इसको जाके मारती हूँ। जैसे मैंने रश किया ना, यहाँ पे फुल अंदर जाके ना चिपका होएगा, जाके पहाड़ी के ऊपर मैं चढ़ गई, तो ये पहाड़ी के नीचे ही है। मैंने पहले सोचा था इसको ना कट्टे से मारती हूँ। देखो कैसे वो यहाँ पे लेटा हुआ है, ये देखो अभी हल्का सा नजर आएगा इस साइड पे। तो पहले मैंने ना इसको दो ग्रोजा की दो गोलियां मारी, तो फिर मैंने सिर्फ इसको ट्रोल किया, तो फुल पैनिक हो गया होगा, डर गया होगा वो तो फुल ज्यादा। दो गोलियां तो बेचारा यार। फिर मैंने कहा कट्टे से मारती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं मेरे साथ ही प्रैंक ना ना हो जाए, बिस्ती हो जाएगी। तो फिर मैंने यहाँ पे मोली की पहले इसके ऊपर, फिर मैंने गन पकड़ के इसको मार दिया। और यहाँ पे चिकन हो गया। अगर आप लोगों को ये गेम प्ले पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो अपना। सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। चिकन हो गया विद 18 किल्स।